वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। गाइस इस वीडियो में बात करेंगे देवरा पार्ट वन मूवी के डे 10 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दैट मींस हम जानेंगे सेकेंड संडे को मूवी कितना बॉक्स ऑफिस पे कर रही है कलेक्शन, साथ ही साथ जानेंगे मूवी अब तक बॉक्स ऑफिस पे कितना कलेक्शन कर चुकी है। जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। देवरा बेहतरीन मूवी है नो डाउट, बट साथ ही साथ इस मूवी के कुछ जो है कि आप बोलते हैं ना वीक पॉइंट्स भी हैं, वो ये हैं कि इस मूवी की स्टोरी लाइन थोड़ी अच्छी नहीं लगी लोगों को, और इस मूवी के जो सॉन्ग्स हैं वो भी ऑडियंस को उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। हालांकि मूवी का एक्शन और बीजीएम और उसके साथ साथ जो है कि मूवी के बहुत सारे सीन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगे हैं लोगों को दोस्तों। मूवी की स्टारकास्ट भी टॉप नॉन्च है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करिए दोस्तों स्टारकास्ट की, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि देवरा मूवी की स्टारकास्ट बोलते वन ऑफ द बेस्ट स्टारकास्ट है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस मूवी का जो बजट है वो भी काफ़ी हाई है। जी हाँ, क्योंकि मूवी का जो बजट है वो 300 करोड़ है, और हम सभी को पता है 300 करोड़ बजट होने की वजह से ये जो मूवी है काफ़ी हाई बजट मूवी हो जाती है। और बोले तो एनटीआर के करियर की इंडिविजुअली ये फर्स्ट मूवी हो सकती है जो कि सबसे बड़ी हाईएस्ट बजट मूवी है। जी हाँ दोस्तों, उनके करियर की सबसे हाईएस्ट बजट मूवी भी है। मूवी में बात करिए स्टारकास्ट की, तो एनटीआर, जानवी कपूर, सैफ अली खान और उसके साथ साथ मीका श्रीकांत, प्रकाश राज जो कि बहुत ही बड़े बड़े अभिनेता हैं और एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों मूवी में स्टारकास्ट की कमी नहीं है। दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर बात करी जाए जिस तरीके से मूवी ने परफॉर्म किया है, नो डाउट यार काफ़ी मूवीज़ जो हैं वो अच्छी नहीं परफॉर्म करती हैं, बट ये जो मूवी है 230 करोड़ कलेक्शन ऑलरेडी कर चुकी है 9 दिनों के अंदर। बात करें आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आज के दिन मूवी आराम से 10 करोड़ का कलेक्शन कर रही है इंडिया से नेट। मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 240 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 240 करोड़ इंडिया नेट। और वहीं बात करिए दोस्तों बर्ड बैट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बर्ड बैट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ये मूवी जो है कि 340 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से कर चुकी होगी आज दिन तक के एंड तक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मूवी ने ओवरसीज में काफी अच्छा कलेक्शन किया है। हालांकि मूवी वर्ल्ड वाइड अगर सिनारियों से इस मूवी को देखा जाए तो मूवी हिट भी हो चुकी है, लेकिन वहीं अगर इस मूवी को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मूवी अभी भी हिट नहीं हुई है, क्योंकि मूवी ने अभी तक अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाया है। क्योंकि मूवी का जो बजट है वो भी काफ़ी हाई है, 300 करोड़ी बजट मूवी है। तो दोस्तों मूवी काफ़ी हाई बजट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर इसी तरीके से एक दो हफ्ते और चलती रही तो मूवी जल्द ही बॉक्स ऑफिस में एक हिट का टैग इंडिया से भी ले लेगी और मूवी बर्ड बैट बॉक्स ऑफिस पे आराम से 500 करोड़ का कलेक्शन कर जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी बर्ड बैट बॉक्स ऑफिस पे 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाद बाकी आप सभी से मिलते रहेंगे ऐसे ही किसी वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।